हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो हम क्लास 12th की सोशियोलॉजी की सीरीज में चैप्टर 8 सोशल मूवमेंट कर रहे थे। आज इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है, लास्ट टॉपिक, लास्ट पार्ट है, दैट इज वुमेन्स मूवमेंट। बहुत सारे मूवमेंट हम कर चुके थे, सो दिस इज द लास्ट टॉपिक हियर जिसमें हम बात करेंगे वुमेन मूवमेंट के बारे में। पूरे चैप्टर को पढ़ के जो भी डाउट आया हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में उस प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो भी पढ़ते हुए, रिवीजन करते हुए कुछ भी डाउट आएगा वो भी आप साथ साथ पूछ सकते हैं। सो जल्दी से पढ़ते हैं। देखो, वुमेन मूवमेंट, वुमेन मूवमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमें इश्यूज पता है, बहुत जनरल इश्यूज हैं वुमेन के, शुरू से रहे हैं, काफी हद तक आज भी हैं चीजें, ठीक है। जैसे कि क्या था, पहले सती प्रथा था, सती प्रथा सिस्टम था, डोरी सिस्टम था, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती थी, विडो की रीमैरिज नहीं कराई जाती थी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड आप आज देख सकते हो कितना ज्यादा वुमेन को प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक इक्वालिटी, बराबर सैलरी वेजेस नहीं मिलते। एक पॉइंट और आप यहाँ से डाल सकते हो, सेक्सुअल हरेसमेंट की प्रॉब्लम एट द वर्क प्लेस, एट सोशल प्लेस, हर जगह पे सेक्सुअल हरेसमेंट की प्रॉब्लम। ये तो वुमेन से रिलेटेड फ्रॉम ओल्ड टू मॉडर्न दोनों टाइम के मैंने मेंशन करे हैं, ठीक है। आज सती प्रथा नहीं है, ठीक है, बट बहुत से इश्यूज आज भी हैं। डोरी पहले भी था और आज की डेट में भी है चीजें, तो ये बहुत सारे इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। तो शुरू से इन चीजों के अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं थे, धीरे धीरे चीजों के अगेंस्ट जब नोटिस आने लगी, प्रॉब्लम इंपैक्ट बहुत ज्यादा एडवर्स और नेगेटिव चीजें हैं वो दिखने लगी, इनइक्वालिटी इनजस्टिस दिखने लगी, तब इसको लॉ के अंडर भी सारी चीजों को कवर किया गया। बट लॉ के एंगल से हमें नहीं पढ़ना है, बेसिक चीज जाननी है यहाँ पे बस, ठीक है। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट और ऑर्गेनाइजेशन क्या थे, मतलब वुमेन्स रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या थे वो अगर हम देखें तो क्या थे। देखो, तीन ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाओं के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, द वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन WIA 1917 में बनी है, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1926 में बनी, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया जो कि 1925 में बनी, ठीक है। अगर पूछ लेता है, देखो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट पूछ लेता है ना, तो ये मेंशन करना है। और आज की डेट में आप बता सकते हो, देखो गवर्नमेंट तो कर ही रही है, अपनी तरफ से रूल बना रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है, वुमेन को रिजर्वेशन देते हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करें, जुडिशियरी भी, जो जुडिशियरी है हमारी जो कंट्री की, जुडिशियरी भी फास्ट ट्रैक कोर्ट, वुमेन्स रिलेटेड मैटर में फास्ट ट्रैक वाला सिस्टम ला दिया गया है, ठीक है। काफी सारी चीजें कर दी गई है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के लेवल पे देखे तो। इसके अलावा भी बहुत सारे एनजीओ भी वर्क कर रहे हैं, अगर मैं इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की बात करूं तो बहुत सारे एनजीओ भी इस चीज में वर्क कर रहे हैं। तो अगर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट को लेके क्वेश्चन पूछता है तो ये मेंशन करना है और ये भी कुछ मेंशन करना है हमें, ठीक है। अब और बात करते हैं एगेरियन स्ट्रगल एंड रिवोल्ट। जब एगेरियन स्ट्रगल होते थे, रिवोल्ट होते थे, तो क्या वुमेन, देखो उस टाइम पे वुमेन इतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती थी, बस जो मिडिल क्लास की एजुकेटेड वुमेन होती थी ना वो इन्वॉल्व होती थी जनरली इन सब जो स्ट्रगल और रिवोल्ट होते थे। उसके बाद बात करते हैं व्हाट आफ्टर पोस्ट 1947, मतलब आजादी के बाद। तो आजादी के बाद, ठीक है, इतने वुमेन मैटर स्टार्टिंग में नहीं उठे क्योंकि हम एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सब चीजों में इतना उलझे हुए थे कि वुमेन से रिलेटेड बहुत ज्यादा कोई मासिव बड़ा मैटर सामने ऐसे आया नहीं, और इतने बड़े कोई रिवोल्ट काइंड ऑफ चीजें थी ही नहीं, ठीक है। बट धीरे धीरे मिड 1970 में हमने देखा कि रिन्यूअल हुआ वुमेन मूवमेंट का, इसको सेकेंड फेज ऑफ वुमेन मूवमेंट भी कहा जाता है, ठीक है, सेकेंड फेज ऑफ वुमेन मूवमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मैटर हमें देखने को मिले। यहाँ पे जो वुमेन के मूवमेंट थे वो ऑटोनॉमस थे, ऑटोनॉमस मतलब अब कोई पॉलिटिकल पार्टी ये मुद्दे नहीं उठा रही है, नाउ वी आर इंडिपेंडेंट, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के बेस पे ये मुद्दे नहीं रख रहे हैं, हम जो मुद्दे रख रहे हैं वो किसके बेसिस पे रख रहे हैं, सेल्फ मेड ऑर्गेनाइजेशन होती थी या खुद मोबिलाइज की हुई लोग होते थे। तो यहाँ पे मुद्दे क्या, मैटर किस किस से रिलेटेड, वायलेंस रिलेटेड आते थे, डोरी से रिलेटेड, सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड, या लैंड राइट को लेके। आज के हम कहते हैं कि वुमेन्स को राइट है, वुमेन्स नाउ आज की डेट में वुमेन्स के पास राइट है क्योंकि लॉ आ चुका है, बट पहले ऐसा नहीं था ना, पहले वुमेन्स को प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलता था फादर की। तो ये सारी चीजें जो है, और अब तो सब कुछ लीगल फ्रेमवर्क, लीगल प्रोविजन के तहत काम होता है और सब कुछ लॉ के अंडर है ये सारी बातों के प्रोविजन, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द वुमेन मूवमेंट, इतना ही है वुमेन मूवमेंट। अब आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, आप कोशिश करो कि इसके जितने भी बैक एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं वो आप अपनी तरफ से कर पाओ, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर आपके पास है आप दीजिए, मैं अपनी तरफ से तो कुछ रिवीजन करवाऊंगी ही आपको क्वेश्चन आंसर की। सो आई होप चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बाकी कोई भी डाउट है यू गाइस कैन आस्क इट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। सो दिस इज अबाउट द चैप्टर, CBSE के अकॉर्डिंग हमने आज सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तीन चैप्टर बचे हैं दैट आई विल कवर वेरी सून, ठीक है, वो किसी और बोर्ड में आ रहे होंगे तो मैं उनको कवर बहुत जल्द करूंगी। That's all for today. Thank you for watching.